चुनावी समर में हर पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता चंदन झा ने कन्नौज में लोकसभा से गठबंधन की प्रत्याशी डिंपल यादव के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव से मुलाकात की, जहां नवाब सिंह ने बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर सरकार की खामियां गिनाई, साथ ही कन्नौज से गठबंधन के जीतने की उम्मीद भी जताई। 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन झा। आज हम लोग पहुंच चुके हैं कन्नौज। कन्नौज चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1998 से लेकर 2019 तक यहां पे सपा के लोगों का ही जो भी सांसद बने हैं सपा के लोग ही बने हैं। इत्र के मामले में भी ये जगह काफ़ी फेमस है और इतिहास में अगर बात की जाए इतिहास के बारे में तो अद्वितीय है, क्योंकि इस कन्नौज को लेने के लिए दक्षिण से भी राजा हैं, पूर्व से भी राजा हैं और पश्चिम की तरफ से भी राजा हैं। खैर, हालांकि यहाँ पे आखिरी शासक जो हुए गुजर प्रतिहार हुए। खैर, इन्हीं सब चीज़ों को जब हम वापस आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद हैं डिंपल यादव जी, और वह प्रत्याशी भी हैं लोकसभा के लिए महागठबंधन से, और अभी किन्हीं कारणों से वो उपलब्ध नहीं हो सके हैं, क्षेत्र में हैं, लेकिन अभी हमारे साथ उनके प्रतिनिधि श्री सर अपना एक बार अपना परिचय जरूर दें। मैं नवाब सिंह यादव हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता। सर, हमारे साथ अभी नवाब सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि भी हैं सांसद महोदय के। सर, ये बताइए जीतने का क्या आसार लग रहा है, क्या 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 होगा, जीत का जो मार्जिन होगा वो कितना बढ़ सकता है? ये लोहिया जी की धरती है, माननीय नेता जी की धरती है, और कन्नौज के लोग इतिहास बनाते हैं। इन्हीं कन्नौज के लोगों ने माननीय सांसद महोदया जी को निर्विरोध चुनाव जिताया था। पिछली साल जरूर जीत का कम अंतर हुआ, हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए, और हिंदुस्तान की जनता, भोली भाली जनता बहका में भी आ गई। इस बार कन्नौज की जनता एक बार पुनः इतिहास बनाने जा रही, इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी भी साथ खड़ी है, जो उनका वोट है वो हमें मिल रहा। दूसरा, आज कन्नौज की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही, क्योंकि 15 लाख तो आए नहीं, धारा 370 तो खत्म नहीं हुई, राम मंदिर तो बना नहीं, गंगा की सफाई हुई नहीं, नौजवानों को काम मिला नहीं, किसानों की स्थिति सुधरी नहीं, बलात्कार, हत्याएं, जघन्य अपराध बढ़ गए हैं, इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है, रोष है, बहुत ज्यादा रोष है, वो दिखने को मिलेगा 29 तारीख को मुख्य मतदान में। हाँ, रोष वोट डालने के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, गुस्सा उसके प्रति है। जोश तो है कि कब मौका मिले, 5 साल से इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों ने ठगा है, खाते खुला दिए और कुछ नहीं मिला, सांड छेड़ दिए, जिस गाली कमाई किसान कैसे को करता है वो उनके सांडों ने बर्बाद कर दिया, खाद की बात आई, खाद के दाम बढ़ा दिए, उसमें 5 किलो खाद और निकाल ली, तो इसलिए जनता का बहुत सरकार के प्रति गुस्सा है। कन्नौज की जनता पुनः एक बार इतिहास बनाने जा रही है। चलिए, नवाब सिंह का ये कहना है कि कन्नौज की जनता इतिहास बनाने जा रही है। 29 तारीख को जो वोटिंग होगा, 29 अप्रैल को, और फिर 23 मई को जो भी नतीजे आएंगे वो अप्रत्याशित होंगे। नवाब सिंह जी, एक बात बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को कितनी सीटें अप्रत्याशित हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं, कितने सांसद जा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर? हम ये बताते हैं जितना लोग सोच भी नहीं रहे हैं, आपके मीडिया के लोग भी, और आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में बचे क्या। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी जी, जब अपनी सीट बचा नहीं पाए, अब प्रधानमंत्री की ही बारी है, जब योगी नहीं बचे तो कौन सी सीटें बच सकती हैं? प्रधानमंत्री जी की केवल बची है, उस पर भी संघर्ष चल रहा है, निश्चित रूप से जो हम लोग 60 को क्रॉस करेंगे। मतलब आपका कहना है कि 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से गठबंधन के जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर जी। जो और जो अभी बीच में सोशल मीडिया में और अलग अलग मीडिया स्रोतों से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई उत्तर प्रदेश से बनेगा, तो कुछ उस पर टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं ये सिर्फ जानता हूं कि अभी तक राजनीति में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र में निभाता चला आया। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है, और बगैर उत्तर प्रदेश के देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, नवाब सिंह साहब जी ने जो बोला कि जो प्रधानमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का ही बनेगा,
तो एक मैसेज जा रहा है जो आजकल जो सोशल मीडिया में और अलग अलग मीडिया स्रोतों से आ रहा है, कहीं ना कहीं उस चीजों को बलवती कर रही है कि आखिर जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो यहाँ उत्तर प्रदेश से हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस ने आप लोगों के साथ गठबंधन नहीं किया या आप लोगों ने नहीं किया, क्या लगता है कितना वोट डैमेज करेंगे आपका, कांग्रेस कितना करेगी वोट डैमेज? कन्नौज में तो नहीं लड़ रही कांग्रेस, हम लोग छोटे नेता हैं। कन्नौज में लड़ नहीं रही कांग्रेस तो बात खत्म हो गई। यहाँ कन्नौज में कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं और देश और प्रदेश की हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करें आप। तो नवाब सिंह साहब ने बड़ा बेबाकी से अपने हमारे सवालों का जवाब दिया। कन्नौज से गठबंधन की प्रत्याशी डिंपल यादव के गढ़ में लाइव 24 के संवाददाता चंदन झा ने लोगों से 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर खास बात की, जहां लोगों ने गठबंधन को सही करार करते हुए डिंपल यादव का समर्थन किया, साथ ही डिंपल यादव के कार्य को 10 में से 10 नंबर दिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाम क्या जी? सौरभ यादव। सौरभ जी, ये बताइए कि अभी कन्नौज से सांसद प्रतिनिधि जो डिंपल यादव जी हैं, उनके विकास कार्यों से आप खुश हैं या नहीं? जी खुश है जी, हमारे कन्नौज में जो विकास हुआ है वो माननीय हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और माननीय डिंपल यादव जी के उन्हीं के द्वारा जो भी विकास हुआ है, और बाद बाकी बीजेपी ने कोई विकास हुआ ही नहीं है। और इसके अलावा हमारे कन्नौज की जनता भी जो है वो समाजवादी पार्टी को ही मतलब अपना वोट देने। आप बहुत पीछे हैं, हम गर्दन निकाल रहे हैं तो भैया हमसे भी कुछ पूछ लिया जाए, आप आगे आ जाइए। अच्छा, आपका नाम क्या है? नरेंद्र राजपूत। नरेंद्र जी, ये बताइए कि बीजेपी पिछले बार भी हारी, ठीक है 2014 में भी हारी, 1998 से हारती आ रही कन्नौज सीट, क्या लगता है इस बार भी हार जाएगी? समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी सर, मतलब पीछे से यही बोलने के लिए खड़े थे समाजवादी पार्टी जीतेगी, सभी बोल रहे हैं, कुछ नया चीज बोलते हैं, आप बताइए कौन डिंपल यादव जी से कितने खुश हैं? अगर उनको नंबर दिया जाए 10 में से कितना नंबर देंगे? पूरे खुश है, पूरी तरीके से 10 में से 10 में पूरे मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उससे जनता कतई नहीं नाराज है, पूरे रात रात पब्लिक साणों के रखा रही है और इसलिए पूरी रात रात जो है उसमें उलझी रहती है, दिमाग काम नहीं कर रहा, आदमी जग नहीं पा रहा, जग नहीं रहा।